हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस आर्ट। आई एम रीना जैन। फॉर लर्निंग फोटोशॉप फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट डेली वीडियोस। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड इन फोटोशॉप। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फाइल मेन्यू में जाएंगे, न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे विड्थ 1280 और हाइट 70 रखेंगे, पिक्सल्स में ही रखना है, रिजोल्यूशन 72 रखेंगे, कलर मोड RGB कलर सिलेक्टेड है, बैकग्राउंड कंटेंट्स व्हाइट सिलेक्टेड है। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है। अब इसे स्क्रीन में फिट करने के लिए कंट्रोल की को होल्ड करते हुए 0 की प्रेस करेंगे और अब इसमें ग्रेडियंट फिल करना है, तो यहाँ से ग्रेडियंट टूल सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक और बैकग्राउंड कलर व्हाइट सेट हो। अगर आपका नहीं है तो आपको D की प्रेस करना है, तो ये बाय डिफॉल्ट सेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ ग्रेडियंट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड ये वाला ग्रेडियंट सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नाम लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है और यहाँ से लीनियर ग्रेडियंट सिलेक्ट करना है, फर्स्ट वाला ऑप्शन, और यहाँ पे ओपेसिटी 100% रखेंगे और अब इसमें ग्रेडियंट फिल करना है, तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करना है और फिर शिफ्ट की को होल्ड करते हुए लाइन ड्रैग करनी है। अब हम फिल्टर मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे डिस्टॉर्ट के अंदर वेव का जो ऑप्शन है इसे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे नंबर ऑफ जनरेटर्स 5 रखेंगे और वेवलेंथ में मिनिमम 10 रखना है और मैक्सिमम 120 रखेंगे और एम्पलीट्यूड मिनिमम 5 रखना है, मैक्सिमम 35 रखेंगे और स्केल में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों 100% रखना है और टाइप में आपको स्क्वायर सेलेक्ट करना है और अनडिफाइंड एरियाज में रिपीट एज पिक्सल ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। अब हम फिर से फिल्टर मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे डिस्टॉर्ट के अंदर पोलर कोऑर्डिनेट्स का जो ऑप्शन है इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे रेक्टेंगुलर टू पोलर ये वाला सिलेक्ट करना है। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे और अब एक बार और फिल्टर मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे डिस्टॉर्ट के अंदर पोलर कोऑर्डिनेट्स का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इस बार भी रेक्टेंगुलर टू पोलर का ऑप्शन सिलेक्ट रहने देना है। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। अब हमें इसे कलर देना है, तो इसके लिए एडजस्टमेंट में जाना है और यहाँ से ग्रेडियंट का ऑप्शन सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ग्रेडियंट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेटिंग का जो आइकन दिख रहा है इस पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ स्पेक्ट्रम्स पे क्लिक करना है और फिर यहाँ अपेंड पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये 4 ग्रेडियंट और ऐड हो गए इसमें, तो इसमें से हम ये वाला ग्रेडियंट सिलेक्ट कर लेंगे, स्पेक्ट्रम नाम है इसका आप देख सकते हैं। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है और यहाँ स्टाइल में लीनियर की जगह रेडियल सिलेक्ट कर लेंगे और एंगल 90 रखेंगे और स्केल की वैल्यू 100% रखेंगे। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। अब हमें इसका ब्लेंड मोड चेंज करना है, तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करना है और ओवरले सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे अगर आपको इसे सिंगल कलर देना है तो वो भी दे सकते हैं, इसके लिए पहले इसे ऑफ कर देंगे और फिर एडजस्टमेंट में जाएंगे और यहाँ से यू एंड सेचुरेशन का जो ऑप्शन है इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे कलराइज को चेक करेंगे और सेचुरेशन की वैल्यू बढ़ा देंगे, 100 कर लेंगे और अब इसे राइट में ड्रैग करना है। तो आपको यहाँ पे जो भी कलर रखना है आप रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, तो इस तरह से आप इसमें सिंगल कलर भी रख सकते हैं और ग्रेडियंट में भी रख सकते हैं। अब हमारा एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू आर अ न्यू विजिटर देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।